So, बच्चे, let's start with the revision of arithmetic mean. Yesterday, I discussed all the formulas with you. Today, we will be doing certain numericals. I am starting with the discrete series, calculation of arithmetic mean in case of discrete series. क्योंकि I guess individual series सबको आती है find out करना mean. उसमें आपको practice की जरूरत नहीं है, ठीक है? So let's start with the discrete series. You are given the data related to wages of workers. And you are asked to find out arithmetic mean. So note it down. These are the different values of the variable. Along with that, you are given number of workers, 4, 6, 3, 2, 5, ठीक है. वेजेस हमारा वेरिएबल है. वेरिएबल को हम एक्स ट्रीट करते हैं. सो हियर आई एम राइटिंग कैपिटल एक्स. वेरिएबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स. वैल्यूज इफ गिवन तो वो नंबर्स में ऑब्वियसली, इफ नॉट गिवन हमें उनको डिनोट करना है तो हम स्मॉल लेटर्स में उनको डिनोट करते हैं, ठीक है. So here number of workers are given. This would be the frequency. So let's start with the direct method. सबसे पहले formula लिख लेंगे. Direct method से हम कैसे arithmetic mean calculate करते हैं. X bar is equal to summation fx upon summation f. So this is f, this is x, corresponding x, x की values को उसकी corresponding frequencies के साथ multiply कर देंगे. हमारे पास कॉलम आ जाएगा f into x, 10 into 4, 20 into 6, 30 into 3, 40 into 2, 50 into 5. हम इसका total ले लेंगे 0, 6, 15, 20 and 28, 2, 4, 5, 580. Frequency का total ले लेंगे, which is 20. ठीक है, साथ साथ कर लीजिए बेटे, don't just look. Values put कर देते हैं, x bar summation f x is 580, summation f is 20. 58 upon 2 rupees 29. ठीक है. So which means the mean marks of 20 workers here is 29 rupees. हमें ये देखना है ये फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि इतने वर्कर्स को इतने वेजेस मिलती हैं, इसको इतनी, इनकी मीन वेजेस कितनी है. सो दैट कम्स आउट टू बी 29 रुपीस. ठीक है. सेम क्वेश्चन वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड. करें इसी को. दोबारा से आपको स्टेटमेंट नोट डाउन करनी पड़ेगी. मैं तो यहां पर अब कर दूंगी. यू हैव टू नोट डाउन द स्टेटमेंट अगेन. फॉर्मूला लिखते हैं. सबसे पहले एक्स बार इक्वल्स ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ. फॉर्मूला लिखने का मकसद होता है आपको स्टेप्स पता चल जाएंगे. तो सबसे पहला स्टेप ए, टेक एनी वैल्यू एज एन अज्यूम्ड मीन. बेटे जनरली देखो हमारी टेंडेंसी होती है हम सेंट्रल वैल्यू में से लेते हैं. कि उसका रीजन भी यही है क्योंकि जो एवरेज है वो भी सेंट्रल वैल्यू के आसपास ही रहता है. ठीक है. लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आपने जो माइनस करना है यहाँ पे बाद में जाके एड कर ही देना है. So, बात वहीं पे आ जानी है. ठीक है. तो यू कैन टेक एनी वैल्यू. 10 ले लो, 20, 30, 40, 50 ले लो, 25 भी ले लो. यानी यू कैन टेक दैट वैल्यू ऑल्सो विच इज नॉट देयर इन द सीरीज. ठीक है. तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग एज्यूम्ड मीन लेंगे तो भी आंसर वुड बी सेम. क्योंकि बेटे जितना इसमें से माइनस करो उतना ही एड कर देना है बाद में जाके. ठीक है. सो क्या लेते हैं हम. लेट अस से आई एम टेकिंग 10. ठीक है. जस्ट टू प्रूव
कि आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको dx फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज dx? x माइनस a, डेविएशंस ऑफ x फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। तो a क्या है हमारा 10, 10 माइनस 10, 20 माइनस 10, 30 माइनस 10, 40 माइनस 10, 50 माइनस 10। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेने का फायदा ये होता है कि आपकी सारी वैल्यूज प्लस में आएंगी। तो जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, प्लस माइनस में गलती कर जाते हैं, ठीक है, तो उनको मिनिमम वैल्यू को ही अज्यूम्ड मीन लेना चाहिए। राइट नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन सी ए ले लिया हमने, डी एक्स ले लिया, लेकिन हमें किसका टोटल चाहिए? एफ इंटू डी एक्स का। तो नेक्स्ट कॉलम वुड बी एफ इंटू dx, this is dx, this is f, मल्टीप्लाई कर दो, 0, 60, 60, 60, 200, yes, so you get summation f dx as 0, 6, 12, 18, 380, so put the values in the formula. Assumed mean you have taken to be 10. Summation f dx comes out to be 380. Summation f 20. So 0 cut ho gaya, 38 divided by 2, 19. 10 plus 19, rupees 29. Direct method se bhi same answer aaya tha, shortcut se bhi same aaya. Teesra bhi kar le, kaun sa? Step deviation. So the formula I'm rewriting. क्या फर्क है इसमें? डी एक्स की जगह डी डैश और मल्टीप्लाइड बाय सी, ठीक है? So you will have to rewrite the sum. अब आपको मैं ये प्रूव करने के लिए किसी भी वैल्यू को assumed mean ले लो, आंसर सेम रहेगा। So I am taking 20 as an assumed mean. ठीक है? तो x minus 20, 10 minus 20, 20 minus 10, 20 minus 20, 0, 30 minus 20, 40 minus 20, 50 minus 20. So you can see something common here or not? What is common here? 10 is common here. So हम अपनी calculations को simplify करने के लिए common factor निकाल लेते हैं, यानी पूरी series को common factor से divide कर देते हैं। तो our next column would be d dash x, which is equal to dx upon c, जहां पर हमने c क्या लिया है? 10. यानी dx के हर column, हर value में से 10 divide कर देंगे, यानी 0 उड़ा देंगे, ठीक है? तो क्या वैल्यूज आ गई? ये आ गई। अब कई बार क्या होता है, इतने कॉलम्स के बाद बच्चा कहता है हाँ आ गया एंड, अब इसका टोटल ले लेते हैं। इसका टोटल नहीं लेना बेटे, जहां जहां एफ कॉलम है वहां वहां एफ फॉर्मूला में और कॉलम्स में आना है। एफ हमारा फ्रेंड है, उसको हमने साथ लेके जाना है, ठीक है? तो एफ इंटू डी डैश एक्स। अगर कुछ सीखा है लॉकडाउन में तो फ्रेंडशिप निभानी सीखी है, और कुछ नहीं सीखा, उसका भी पेपर कराना है, उसका भी पेपर कराना है ना? सो इसीलिए यहां पर भी फ्रेंड को नहीं भूलना, ठीक है? 4 इंटू माइनस 1, 6 इंटू 0, 3 इंटू 1, 2 इंटू 2, 50, ठीक है? 4 कट, 15 प्लस 3, 18। वैल्यूज पुट कर दीजिए। अज्यूम्ड मीन मैंने 20 लिया था इस बारी। समेशन एफ डी डैश एक्स 18 है। समेशन एफ 20 इंटू 10 कट गया, 18 डिवाइडेड बाय 2, 29। दूसरा ये सीखा है हमने लॉकडाउन में कि हमने हाथ पे हाथ धर के कैसे बैठना है ना? टीचर काम करती जाए, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, कान भी बंद कर दें, हाथ भी नहीं चलाएं। न्यूमेरिकल्स ऐसे नहीं सॉल्व होंगे,
ठीक है बेटे, डन। कंटिन्यू सीरीज करें। अब रिवीजन में बेटे हर तरह की टाइप को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसीलिए डिस्कस थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेती हूँ। कंटिन्यू सीरीज डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक एक्सक्लूसिव सीरीज। व्हाट इज एक्सक्लूसिव सीरीज? अगर आपको एग्जांपल आती है एक्सक्लूसिव सीरीज की, वैसे तो चलो एमसीक्यू है लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, आप उसको ऐसे लिख देते हो, दिस इज एन एक्सक्लूसिव सीरीज। बेटे इज दिस अ सीरीज? व्हाट इज मिसिंग हियर? फ्रीक्वेंसी कॉलम, बिकॉज जस्ट दिस इज नॉट टेलिंग यू एनीथिंग। 0 to 10, 10 to 20 क्या बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा। ये बता रही है आपको 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 टू 10 के बीच में है, 3 के 10 टू 20 के बीच में, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन ये कुछ नहीं बता पा रहा आपको, तो ये सीरीज नहीं है। क्लियर? तो अगर आपको एग्जांपल पूछी जाती है एक्सक्लूसिव सीरीज की, आपको साथ में फ्रीक्वेंसी कॉलम भी देना है। तो अगर एक्सक्लूसिव सीरीज है बेटे, तो सिंपल एक्सक्लूसिव सीरीज है, जिस तरह से नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरह से करना है, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये कोई एक्सेप्शनल केस है ही नहीं। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ये इंक्लूसिव सीरीज। व्हाट इज इंक्लूसिव सीरीज? जिसमें अगर कोई वैल्यू अपर लिमिट के बराबर है तो उसी में आती है, नेक्स्ट में नहीं जाती। ठीक है, तो इसकी जो क्लास इंटरवल है वो इस तरह से होती है कि एक क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, ये होगी इंक्लूसिव सीरीज। अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज गिवन हो और आपको कहा जाए अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने को, डू यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज? नो। मीन के केस में इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, मीन के केस में सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपल में कन्वर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी और कोई सी में एडजस्टमेंट नहीं करने की जरूरत। इंक्लूसिव है तो भी एडजस्टमेंट नहीं करनी, अनइक्वल डेटा है तो भी नहीं करनी, मिड वैल्यू डेटा गिवन है तो भी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रहेगा मीन के केस में इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि मिड वैल्यू फाइंड आउट करोगे, मिड वैल्यू कितनी आई इसकी, 4.5 इसकी, 14.5 इसकी, 24.5, तो इंटरवल ऑटोमेटिकली 10 का आ गया। मिड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली 10 आ गया। सो नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। और कौन सी सीरीज हो सकती है? अनइक्वल डेटा। अनइक्वल डेटा कौन सा होता है? जिसमें कोई क्लास इंटरवल 5 की है, कोई 10 की है, कोई 20 की है, कोई 30 की है। इस केस में भी यू नीड नॉट कन्वर्ट इट इनटू इक्वल क्लास इंटरवल, सिंपली सॉल्व द सम एज इट इज। ठीक है, फोर्थ होती है ओपन एंड डेटा। ओपन एंड डेटा कौन सा होता है? जिसमें या तो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट या लास्ट क्लास की अपर लिमिट मिसिंग हो या दोनों मिसिंग हो। फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट मिसिंग है, लास्ट क्लास की अपर लिमिट मिसिंग है, ठीक है, या दोनों मिसिंग है। ठीक, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें? वी विल हैव टू फाइंड आउट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। क्यों? क्योंकि हमें मिड वैल्यू चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर कहीं सम सॉल्व करना भी शुरू कर दिया तो पहला स्टेप क्या है? मिड वैल्यू फाइंड आउट करना ना। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? मिड वैल्यू के लिए आपको लोअर लिमिट लेनी पड़ेगी। अब लोअर लिमिट क्या लें? अगर तो इक्वल है फिर तो वेरी इजी दिख रहा है, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। अगर अनइक्वल डेटा है फिर क्या करोगे?
कभी 5 की इंटरवल दे रहा है, कभी 10 की दे रहा है, कभी 20 की दे रहा है, फिर क्या करेंगे बताओ? इक्वल में तो करना ही नहीं. लेट मी राइट डाउन अ क्वेश्चन हेयर पर्टेनिंग टू अनइक्वल डेटा एंड लेस देन फॉर्म. लेस देन 5 to 10, 10 to 15, 15 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 and above. We want to find out its lower limit and its upper limit. क्या करेंगे? हाँ? Zero और कैसे पता चला? Adjacent. पड़ोसी को देखो, जो कार पड़ोसी के पास है वही हमने लेनी है. ठीक है, कितना इंटरवल है? 5 का. तो हमने भी क्या रखना है? 5 का. इसके पड़ोसी का कितना इंटरवल है? 20 का. तो हमने भी क्या रखना है? 20. ठीक है, वॉट इट. तो ये हो गया. लास्ट टाइप ऑफ सीरीज कौन सी होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इट्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लेस देन क्लास इंटरवल्स और मोर देन फॉर्म. या लेस देन फॉर्म में गिवन है या मोर देन फॉर्म में. ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? कोई एडजस्टमेंट करनी है? करनी है, क्या करेंगे? पहली बात, जो क्लास इंटरवल्स हैं, जो लेस देन फॉर्म में गिवन है उसको क्लास इंटरवल्स में लाएंगे. हमें कैसे गिवन है? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50. सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट में फाइंड आउट करें. हो जाएगा 0 to 10. इंट्यूटिव है, ये चीजें कॉमन सेंस भी हैं, है ना? इक्वल है तो लेस देन 10 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मतलब 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, पीछे तो नहीं ना जाओगे. ठीक है, तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ठीक है, अब दूसरा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 10 है, 15 के लेस देन 20 है, 25 के लेस देन 30 है, 40 के लेस देन 40 है, और 45 के लेस देन 50. क्या करें? इसको एज इट इज उतार दें यहाँ पे. दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जो एड करके दी हुई है. एडेड मतलब अगर मैं पूछूंगी भी लेस देन, सपोज आपके मार्क्स 10 से कम है, आपके 20 से कम है. ठीक है, मैं पूछती हूँ लेस देन 20 स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स. लेस देन 20 मैंने पूछा. ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 8 स्टूडेंट्स. लेस देन 20 सपोज करो 8 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अब मेरे को फाइंड आउट करने वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 10 टू 20 के बीच में. स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स 10 टू 20 रेज योर हैंड्स. फिर तुम्हारे 10 टू 20 है क्या? ये वाली रो के 10 टू 20 के बीच में ये कितने स्टूडेंट्स हैं? 5. मतलब लेस देन 28 स्टूडेंट्स के थे, 10 टू 20 5 के हैं. मतलब 8 में से 3 निकल गए, है ना? तो क्या हम यहां पर अगर मैं 8 ही लिख देती तो वो करेक्ट था? वो गलत था. तो इसका मतलब ये एडिड फ्रीक्वेंसी है, स्टूडेंट्स को ऐड करके लिखे हुए हैं. हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल रूल है, याद रखना है. फर्स्ट एज इट इज, हायर माइनस लोअर, दो चीजें याद रखनी. क्या? फर्स्ट एज इट इज, हायर माइनस लोअर. तो ये
अगर यहां पे चलो थ्री है एज इट इज, फिर हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, ठीक है। अगर मोर देन गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? दो रूल, एड नहीं करना, एडिड ही गिवन है, मोर देन में भी एडिड गिवन है, लास्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज लिख दो, हायर माइनस लोअर। क्यूमुलेटिव को सिंपल में कन्वर्ट करना है तो माइनस ही आना है, क्यूमुलेटिव इज एडिड, एडिड में से निकालना है हमें, तो कैसे करना है? लास्ट एज इट इज, हायर माइनस लोअर, ठीक है। सो यही क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्योंकि ना तो आपको इंक्लूसिव में कोई एडजस्टमेंट है, ना इक्वल अनइक्वल में एडजस्टमेंट है, किसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है? लेस देन और मोर देन फॉर्म में। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट डाउन करो क्वेश्चन। यू हैव टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन मेकिंग यूज ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, मेकिंग यूज ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। सो पहला कॉलम मार्क्स का है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 17, 31, 41, 49, 50 कर लो, चलो थोड़ा इजी रह जाएगा, इसको मैं 50 कर रही हूं। हेयर यू शुड नो दिस इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मीन यू हैव टू फर्स्टली कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी फॉर्म। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्लास इंटरवल्स लेस देन को किसमें कन्वर्ट करेंगे? क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ये रहेंगी या नहीं? तो जिनको पता चल रहा है कि ये रहेंगी, वो अपनी नोटबुक में भी लिखते जाएं, हाथों की ना एक्सरसाइज होती है लिखने से, नहीं तो ये जो आपके नकल्स हैं स्टिफ हो जाएंगे। F, इसको एज इट इज लिख दे, नहीं क्यों नहीं, ये क्यूमुलेटिव है, हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है? सिंपल, क्या रूल है हमारा? फर्स्ट एज इट इज, हायर माइनस लोअर, करिए 17 माइनस 31 माइनस 17, 41 माइनस 31, 50 माइनस 41, चेक कर लो, शुड बी इक्वल टू 50, टोटल करके देख लो एक बारी, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस इज कंटिन्यूस सीरीज, वी हैव टू फर्स्टली फाइंड आउट मिड वैल्यूज। सो नेक्स्ट कॉलम विल बी एम, मिड वैल्यूज 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 5। सो मैंने कहा इंट्यूटिव होती है ये चीजें, कॉमन सेंस पे बेस्ड है, इक्वल क्लास इंटरवल है, हर बारी क्लास इंटर मिड वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट टू डू नाउ? टेक समिंग सम वैल्यू एज एन अज्यूम्ड मीन। मैं क्या करती हूँ, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए उस वैल्यू को अज्यूम्ड मीन लेती हूँ जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ताकि मुझे मल्टीप्लाई करना ना पड़े, जीरो आ जाएगा ना, जो मैं अज्यूम्ड मीन लूंगी उसका डीएम जीरो आ जाना है, तो उसको एफ से भी मल्टीप्लाई करूंगी तो भी जीरो, मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। तो डीएम निकालते हैं,
एम माइनस ए, ए क्या है 25, 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 कॉमन फैक्टर डी डैश एम डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज आ गई। अब फिर वही बात आ जाती है, कई बार इतने कॉलम्स बनाने के बाद अब लगता है बस इसका ही टोटल ले लेना है, नहीं, एफ हमारा फ्रेंड है, उसको साथ लेके जाना है, छोड़ के नहीं जाना, नाराज नहीं करना, ठीक है। तो एफ इंटू डी डैश है, 5 इंटू माइनस 2, 12 इंटू माइनस 1, 14 इंटू 0, 10 इंटू 1, 9 इंटू 2, 10 10 कट गया जी, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले लिखा नहीं था, एक्स बार इक्वल्स ए प्लस समेशन एफ डी डैश एम अपॉन समेशन एफ इनटू सी। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 4 साल बाद भी कोई फॉर्मूला पूछे ना आपको याद होना चाहिए, जिस तरह से अकाउंट्स के फॉर्मूलाज हैं हमें याद रहते हैं, गोल्डन रूल्स याद है उनको, इतना हम इस्तेमाल करते हैं। आई डिड बीकॉम लॉन्ग टाइम बैक, आई स्टिल रिमेम्बर दी रूल्स। तो ये स्टैट्स के भी फॉर्मूलाज आपको इस तरह से याद होने चाहिए कि किसी भी टाइम कोई आपको पूछे, ये बेसिक्स हैं एवरेजेस बेटे, ये आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, ठीक है। एक्स बार अज्यूम्ड मीन क्या लिया 25, समेशन एफ डी डैश एम 6, 50 इंटू 10 तो 1.2, सो आंसर इज 25 प्लस 1.2, 26.2 मार्क्स, ठीक बच्चे। ऑल राइट, सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर एमसीक्यूज। अर्थमेटिक मीन की दो प्रॉपर्टीज, एक अगर हम किसी भी सीरीज में एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेते हैं तो उसका जो टोटल है डेविएशंस का वो जीरो आता है। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स अर्थमेटिक मीन इज जीरो। सम ऑफ deviations of x from actual arithmetic mean is zero, ठीक है। यानि अगर ये आपकी क्लास के मार्क्स हैं 2, 4, 6, 5, 3, 9, अगर इसके एक्चुअल मीन जो है 4 है तो 2 माइनस 4, 4 माइनस 4, 6 माइनस 4, 3 माइनस 4, 5 माइनस 4, 9 माइनस 4, इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, इट वुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम सारी वैल्यूज में एक्स की सारी वैल्यूज में एक कांस्टेंट ऐड कर दें, इफ वी ऐड वन कांस्टेंट to all the values of x, suppose करो ये हमारा x है, मैंने इसका x bar निकाला, ये x है आपकी class के marks, ठीक है, मैंने x bar निकाला, वो आया 25 marks, बाद में आपने मुझे बताया मैम ये sum आपने सबका गलत किया हुआ है, ये ठीक है 2 marks का sum है, इसका मतलब हर student के marks 2 से बढ़ गए, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं लिस्ट दोबारा से बनाऊं, दोबारा से मीन मार्क्स निकालूं? व्हाट आई कैन डू इंस्टेड इज आई विल ऐड 2 टू मीन मार्क्स। क्यों? ये मीन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम सारी वैल्यूज में कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी वैल्यूज को या कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं सारी वैल्यूज को, तो हमारा मीन इज अफेक्टेड अकॉर्डिंगली।
यानी अगर टू मार्क्स ऐड हुए तो मीन में भी टू मार्क्स ऐड हो जाएंगे। अगर मैंने किसी का एक सम गलती से ठीक कर दिया, वो गलत था, वन मार्क का क्वेश्चन था वो, व्हेन इट वाज ब्रॉट टू माय नोटिस, तो मेरे को सबका एक एक मार्क डिडक्ट करना पड़ेगा, तो मेरा मीन मार्क्स कितना हो जाएगा 24, इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड बाय वन। अगर मैंने सारी वैल्यूज को टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन क्या हो जाएगा 2 × 25, 50। अगर किसी एक वैल्यू से कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया सारी वैल्यूज को, तो 2 से डिवाइड किया 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5। ये प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन की, ठीक है। फिर बेटे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन से क्वेश्चन पक्का आएगा आपको। कंबाइंड मीन क्या होता है, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सीरीज है और उनके आपके पास दोनों का रिस्पेक्टिव मीन है, तो आप उनका कंबाइंड मीन कैसे फाइंड आउट करोगे। जनरली बच्चों की टेंडेंसी होती है, अच्छा ए सेक्शन के 24 मीन मार्क्स हैं, बी के 25 हैं, दोनों को ऐड कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया, मीन मार्क्स आ गए। ये भी सही है, लेकिन तब अगर दोनों सेक्शंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है। अगर दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट है तो कंबाइंड मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। x12 bar equals n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar n1 plus n2, ठीक है। कलम कर लेंगे मीडियन, ठीक।